अदनान ये बर्गरों पे माचिस की तीलियां कौन लगाता है? अल्लाह बैठ गया बैठ गया, आपने डांटा है ना तो वो बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई आप सबके, क्या हाल है भाई आप सबके। वाह वाह, ये सब जो है ना थोड़ी सी बारिश के बाद ना ये हाल हो गया है आप लोग देख सकते हैं। और भाई लाइट तो है नहीं, तो भाई ये जो है ना आज का खाना जो है ना वो भाई बन चुका है। ये कैसे हैं भाई? ये जो है शामी कबाब वाले बर्गर बनाए भाई। और ये किसने बनाए? ये मैंने नहीं बनाए, ये बनाए हैं हमारे मियाँ साहब ने। और ये बहुत देर से जो है ना किचन में कुछ कर रहे थे, तो ये कर रहे थे, देखो खीरे के छिलके इतने मोटे मोटे उतारे हैं। और लो गाइस आप देख सकते हैं, इतने मोटे मोटे छिलके कौन उतारता है यार, पूरा खीरा बर्बाद कर दिया। चलो ये तो खैर मैं खा लूंगी अभी। और भाई ये रात के जो है ना इस वक्त 9 बज रहे हैं और थोड़ी सी बारिश क्या हुई, हमारा जनरेटर जो है ना वो अभी थोड़ा सा सर्विस होगा देन फिर स्टार्ट होगा। थोड़ी सी बारिश हुई थी और यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं बारिश नहीं हो रही, लेकिन हमारे यहाँ लाइट उड़ गई है, उड़ गई क्या चली गई क्या, इलेक्ट्रिक वालों ने ले ली। बच्चों का हाल से बुरा हाल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सब परेशान हुए मैं। ये देखो ये क्या कर दिया, हाय अदनान ये बर्गरों पे माचिस की तीलियां कौन लगाता है? अल्लाह हटाओ पागल, जल्दी हटाओ माचिस। मां साहिल साहब को जो है जरा मैं बनाना खिला रही थी, बनाना खिला दूं, क्या हुआ आ जाओ। A few moments later. भाई तो बारिश जो है वो किस किस ने एंजॉय करी भाई, हम तो भाई छत पे बारिश जिसे कहना चाहिए कि शेड वेड डालने गए हैं और उसके बाद जो है ना वो लाइट चली गई, तो सारा जो है ना वो बारिश का जो है ना वो ब्लैकआउट हो गया समझ लें, मज़ा ही किरकिरा हो गया। फिलहाल जो है थोड़ी देर पहले अभी हम नीचे आए थे और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है वो लाइट आई है, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करवाए। अब घर में इतना हफ्स हो रहा है शदीद वाला, तो बच्चों ने ये बोला कि भाई आज जो है ना वो खाना हम बाहर खाएंगे, घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जस्ट अभी मैं तैयार हुई थी, तैयार क्या बस जो कपड़े सामने पड़े हुए थे वो जल्दी से पहने और थोड़ा सा मुँह सही किया एंड देन जो है मैं जा रही हूँ बाहर। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, चलें फिर आए चलते हैं ज़रा और ज़रा बाहर का थोड़ा मज़ा लेकर आते हैं। प्लेस है और बड़े दिनों बाद आए, आफ्टर कितने दिन बाद आए हम? हम लोग आए थे ईद से पहले, ईद से पहले, ईद से पहले आए थे और आज आए हैं। आज तो जो है ना वो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त वाला जो है ना वो सुकून हो रहा है, सुकून रश नहीं है सुकून हो रहा है। लोग आए हुए लेकिन आज वीकेंड नहीं है, वीकेंड कल है और लोग तो जो है ना वो कल आएंगे इस वजह से। चले भैया आए जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या ऑर्डर करना है हम लोग। KFC की तरफ मोड़ी
भागेगा। बैठ गया बैठ गया, आपने डांटा है ना तो बैठ गया। ये इसमें से ऐसा लग रहा है मुझे चिकन टिक्की की स्मेल आ रही है आपके माइटी में से। हमजा तुम्हारी बकेट आ गई है। यार ये तो बहुत गर्म हो रहा है। अदनान दोनों एक ही साइज है भाई। दोनों के साइज एक ही है। ये अपना छुपा क्यों लिया? ये छुपाया नहीं, ये नजर लग गया। ऐसे तो नहीं होता है। जो तुम्हारी बास्केट खा लो, ठूस लो, ठूस लो। तो बस जस्ट मैं अभी घर आई थी, और घर आने के बाद जो है ना वही आयल साहब का टै 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 शुरू हो जाता है इनका रोना कि मुझे सुलाओ मुझे सुलाओ। इनका ईफू है जो एक अदद आज घर पे रह गया था, तो इन्होंने बहुत परेशान किया है। ये लो फेंका क्यों, फेंका क्यों? नहीं अभी बाइक का तो टाइम नहीं है, इस वक्त कोई 2:30 बज रहे हैं और बोला जा रहा है कि बाइक पे जो है ना वो बाहर जाना है। हाँ तो वो अच्छे व्यूज आ गए होंगे ना इम्प्रेशन क्लिक के, ठीक आ गए मेरे। ओफो बस करो भाई। हाँ भाई तो इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 2:20 का। एक मिनट, ऐसा लग रहा है मेरी ना स्क्रीन पर कुछ लगा जी। तो बस जस्ट अभी जो है वो थोड़ी देर पहले मैं घर आई थी, और घर आने के बाद ना वही आयल साहब की चीपू चीपू शुरू हो जाती है, और वो देख सकते हैं आप कैसे जो है वो वॉशरूम के बाहर उनके अब्बू मुँह हाथ धोने गए हैं इनके बाबा, और ये वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। और इनका मुतालबा ये है कि मुझे जो है इस वक्त जो है, क्योंकि आज इनका बाइक का चक्कर रह गया था, तो आयल साहब जो है ना वो रोज़ रात को एक बाइक पर जो है ना वो राउंड खाते हैं, क्योंकि वो नाश्ता वगैरह इनके पैंपर्स वगैरह, तो आज ऐसा कोई चक्कर नहीं था जी। फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है बच्चों को, बस फार्म हाउस की पड़ी हुई है कि वाटर पार्क लेके चले, वाटर पार्क लेके चले। और फिलहाल जो है कहाँ पे टिक्का बोटी है, ये मैं कट कर दूंगी वीडियो में से, क्योंकि जो है थोड़ा सेंसर और थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जो है ना वीडियोस में डालती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता। खैर बहरहाल, और यहाँ करते हैं व्लॉग को एंड। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ ज़रा छत के थोड़े मज़े खाने के लिए, क्योंकि यार एसी में जो है ना ये चलता है ना, इसमें तो ना बाहर की कोई आवाज़ आती है, और इवन बारिश का ही पता नहीं लगता कि बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, गुड़गुड़ हो रही है, जो भी हो रहा है। बहरहाल तो मैं बस अभी थोड़ा सा जो है मम्मी के साथ बाहर ऊपर जाऊंगी छत पे, थोड़ा सा जाके लेटेंगे, हवा हवा खाएंगे, दैन फिर जो है ना जब फजर की अजान होगी फिर आके मैं कमरे में जो है ना वो सोऊंगी। तो यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। और बड़ा मज़ा आया आज तो, इतने दिनों बाद मैंने माइटी खाया था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा पेट भरा हुआ है आज मेरा। तो फिलहाल जो है बहुत दिनों बाद गए थे, अच्छा लगा, और गर्मी भी थोड़ी सी वहाँ पर मौसम अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था, तो जैसे ही घर में आए तो यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। तो फिलहाल इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जिस टाइम मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।